हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंपल चिकन कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम ना मिक्सर यूज करेंगे, ना एक्स्ट्रा बहुत सारा सामान यूज करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ये बैचलर लोग आसानी से बना के खा सकते हैं और एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये चिकन की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे प्रेशर कुकर रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं और तेल को हम धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें फोरन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लौंग, 1 चम्मच जीरा, दालचीनी एस्टिक, 3-4 छोटी इलायची और 2 टुकड़े में हम सूखी लाल मिर्च तोड़ लिए हैं। सबको हम एक साथ तेल में डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट हम गरम होने देंगे। जीरा चटकने लगा है, अब हम प्याज डालेंगे। तो हमने 4 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। फोरन ब्राउन हो चुका है, अब हम उसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हम चलाते हुए 10 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और प्याज को गलने तक भूनना है। प्याज को हमने 7 मिनट तक अच्छे से भुना है। अब हम लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया है और उसे हम डाल देंगे। इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। लहसुन अदरक को हमने प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। तो प्याज लहसुन अदरक अच्छे से गल चुका है, अब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 4 चम्मच हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो ये तीखा कम होता है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अगर आप सिंपल मिर्च डाल रहे हैं तो मिर्च की मात्रा कम कर दीजिए। अब हम 4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 किलो चिकन में 4 चम्मच मसाला परफेक्ट होता है। अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम मसाला भून लिए हैं। अब हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, इसे डाल देंगे। अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसे हम चलाते हुए फिर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। यानी कि अपनी टमाटर सॉफ्ट हो जानी चाहिए तब तक हम इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज टमाटर अदरक सब गल चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1 किलो चिकन लिए हैं, इसको हम इसी में छोड़ देंगे। मसाले के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है। चिकन ऑलमोस्ट भून चुका है, अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक कुकर का ढक्कन लगा के और इसे 1 घीसी आने तक पका लेंगे, जिससे कि अपनी चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन को हमें 2 घीसी तक नहीं गलाना है, नहीं तो ये कुछ ज्यादा ही गल जाता है। तो हम ढक्कन लगा लेंगे। तो हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लिया है। गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम टू स्लो कर लिए हैं और इसे हम 1 घीसी आने का इंतजार करेंगे। 1 घीसी आ चुका है, अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे।
आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी चिकन पकी है, मसाले पे तेल तैर रहा है, टमाटर प्याज जो भी है सब अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। एक चम्मच हम गरम मसाला डाल रहे हैं और हम मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चिकन तैयार हुई है। ये अपनी चिकन जो है वो भी गल चुकी है। आपको मैं प्लेट में निकाल के बताऊंगी। तो हम एक बार मसाला मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम और ढक्कन को कवर करके छोड़ देंगे। कवर करके इसे छोड़ देंगे और गैस के फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम कवर को हटा के इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर को गैस से नीचे उतार लेंगे और हम इसे प्लेटिंग करके बताएंगे। ये चिकन जो है बैचलर हो, कम इंग्रेडिएंट्स में और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के खा सकते हैं। कोई मिक्सर की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा सामान की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं सिंपल चिकन कढ़ी बनकर तैयार है। इसमें हमने ना मिक्सर यूज किया है, ना कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, और देखने में इसका कलर, थिकनेस और टेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल चिकन कड़ी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये खासकर बैचलर लोगों के लिए है। तो अगर आज की मेरी ये चिकन की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।